दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच भाजपा ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता संदीप पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आप कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी हैं। दिल्ली में शराब नीति से कमीशन का खेल हुआ, कमीशन लेकर राजस्व को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया। सिसोदिया और केजरीवाल के मित्रों को इससे काफी फायदा हुआ है, लोग मोटी दलाली देने के लिए केजरीवाल के पास जाते थे। भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद थे। भाजपा की तरफ से एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया गया है कि उस व्यक्ति का स्ट्रिंग सामने आया जिसने सिसोदिया को पैसे दिए हैं। मनीष सिसोदिया ने शराब नीति से काफी पैसा कमाया। हमने केजरीवाल से 5 सवाल पूछे लेकिन जवाब का एक भी नहीं मिला। हमने केजरीवाल से पूछा कि नई शराब नीति में क्या खराबी है, पुरानी शराब नीति क्यों बदली। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने स्टिंग से जुड़ा एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने देश को लूटने का काम किया है। मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग करते हुए कहा कि शराब बिक्री में 80% फायदा केजरीवाल और सिसोदिया के दोस्तों को हुआ है। कुछ लोगों से 150 करोड़ रुपए तक कमीशन लिया गया। नई शराब नीति के बाद इन्होंने खुली लूट मचाई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य सही बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।